मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप सबका वेलकम है एक नए फ्रेश कमाला एपिसोड में। और आज हम लोग आगे बेटा डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसी सीरीज में ये वीडियो आज आगे स्टार्ट होगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से प्रीवियस वीडियो देख लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं। डिस्कशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बात कर रहे हैं, और वो इंपॉर्टेंट मैटर क्या है आपका, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे पहले बेटा हमने क्या डिस्कस कर लिया था, तो मैं आप एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं। इससे पहले बेटा हमने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट वाज द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल्स के आने से पहले, ब्रिटिश रूलर्स के इंडिया में आने से पहले इंडियन इकोनॉमी का क्या फीचर हुआ करता था, क्या इंडियन इकोनॉमी की खासियत थी इंडिया में, क्या चीजें थी। हमने वहां पर डिस्कस किया था कि इंडिया गोल्डन बर्ड था, और जब ब्रिटिशर्स ने ओवर 200 इयर्स इंडिया के ऊपर रूल किया, और रूल करने के बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त को, तो उस टाइम इंडिया के इकोनॉमी का क्या फीचर था वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उस डिस्कशन के फ्रेम में हमने तीन पॉइंट डिस्कस कर लिया था, वो अभी भी फिर मैंने रिकॉल करने के लिए वो तीनों पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए और हम लोगों को एक कनेक्टिविटी भी मिले कि वो तीन पॉइंट कौन कौन से हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने बेटा डिस्कस किया था, वो हमने डिस्कस किया था कि इंडियन इकोनॉमी वाज इन स्टैग्नेंट इकोनॉमी, वो स्थिर इकोनॉमी हो गई थी, फिर से वहां पे कोई ग्रोथ नहीं था इंडियन इकोनॉमी के अंदर, स्थिर हो गया था, शिथिलता आ गई थी हमारे पास में। इनकम का जो ग्रोथ था वो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 0.1% पर एनम के हिसाब से ग्रो कर रहा था, एंड और भी बहुत सारी बातें इसके अंदर हुई थी जो प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। बैकवर्ड इकोनॉमी, हमारे पास इकोनॉमी बैकवर्ड सेक्टर में चली गई थी, इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं था, कोई डेवलपमेंट नहीं था। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा किस किस का था, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का था, लेकिन एग्रीकल्चर में कोई एडवांसमेंट नहीं था, कोई ग्रोथ नहीं था, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे पास में ग्रोथ नहीं कर रहा था, हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी। और एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस की चर्चा हमने करी थी, उसमें हमने फूड शॉर्टेज की चर्चा करी थी, हमने बोला था कि हमारे पास सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी नहीं थी, हमारे पास खुद के पेट भरने के लायक भी अनाज नहीं था, और इंडिया में फूड शॉर्टेज था जो कि 1960s के करीब तक चला। यहां तक ऑलरेडी बातें हो चुकी हैं। आइए, आपके सामने मैंने और पॉइंट्स रख दिए हैं, इन पॉइंट्स पे आज डिस्कशन हम लोगों को करना है। तो ये जो चार पॉइंट हमने यहां पे नोट आउट किए हुए हैं, प्लीज आप एक मिनट वीडियो फ्रेम करके इनको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, या आप अपने पास स्क्रीनशॉट इनका रख लीजिए ताकि इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करें बेटा। आइए, अब डिस्कशन में जो नेक्स्ट पॉइंट है, बोल रहा था एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस तो था ही था, एग्रीकल्चर में तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी। नियरली 72.973% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर का सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहा था, और वो कंट्रीब्यूशन 72% एग्रीकल्चर के अंदर लोग लगे हुए थे। पॉपुलेशन का जो टोटल पॉपुलेशन उस टाइम इंडिया का था, उसका 72-73% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में काम कर रहा था, और एग्रीकल्चर में काम करके कंट्रीब्यूशन कितना दे रहा था, मात्र 50% कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। तो इमेजिन कीजिए 75% या 73% ऑफ पॉपुलेशन इज गिविंग अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 50%, एंड द रेस्ट लेफ्ट 23 और 27 और 28% ऑफ द पॉपुलेशन, दे आर कंट्रीब्यूटिंग 50% ऑफ द जीडीपी। मतलब एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस बहुत ही पुअर स्ट्रक्चर में था, और इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इंडस्ट्रीज तो इंडिया में थी ही नहीं, बहुत कम थी, और जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज पहले इंडिया में थी वो भी ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में आकर के बंद हो गई थी, खत्म हो गई थी। बिकॉज ब्रिटिशर्स कर क्या रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई इंडिया में अगर इंडस्ट्रीज चलेंगी तो हमारा सामान कौन खरीदेगा। ठीक है, इंडिया में अगर इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज चलेंगी, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज चलेंगी, तो हम ब्रिटेन का सामान लगा के कहां बेचेंगे और कैसे बेचेंगे। तो उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, कैपिटल लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज, इन सब को धीरे धीरे इंडिया से क्या कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, पॉटरी इंडस्ट्री, आर्टिजियन इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज इंडिया से क्या हो रही थी, धीरे धीरे वैनिश आउट हो गई थी। और सिर्फ क्या हो रहा था, सिर्फ हो रहा था कि बाहर से सामान इंपोर्ट हो रहा था, और इंडिया में लोगों को मजबूर किया जा रहा था कि आप उन सामान को खरीदें ज्यादा प्राइसेस पे। और प्लस प्रोडक्ट भी क्या थे, तो थोड़े इनहांस्ड थे, थोड़े एडवांस थे, इंडस्ट्रीज में बने हुए थे, कैपिटल गुड से बनकर के निकले हुए थे, उनका रिफाइनमेंट था, तो लोगों का भी झुकाव क्या हो रहा था, धीरे धीरे ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा हो गया था, और वो इंडिजिनस प्रोडक्ट को अगर बनते भी थे तो खरीदना नहीं चाह रहे थे। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का ये आलम था। क्या हाल था देखते हैं, बोलते हैं हमारे पास में बेसिक और हेवी गुड्स इंडस्ट्री
ही नहीं। हेवी गुड्स का मतलब होता है बेटा जो इंडस्ट्रियल आउटपुट में जो मशीन्स यूज होता है वो सारी इंडस्ट्री इंडिया के पास में नहीं थी, तो उन सारी इंडस्ट्रीज के लिए इंडिया को क्या करना पड़ रहा था, तो इंडिया को रिलेटिवली बहुत ज्यादा रिलाई करना पड़ रहा था ब्रिटेन से इंपोर्ट कराने के लिए। अगर वो चीजें ब्रिटेन से इंपोर्ट होके नहीं आती तो इंडिया में कोई काम ही नहीं हो रहा था। तो इंडिया में इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए जो मशीन्स एंड अदर थिंग्स चाहिए थे वो अवेलेबल नहीं थे। नेक्स्ट, नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हेवी मशीन इंडस्ट्री इंडिया के पास में अवेलेबल नहीं थी। एक दो इक्का दुक्का ठीक है, जिसमें कि एक नाम टाटा का था जो 1907 में इंडिया में आई, और एक दो छोटी मोटी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अलावा कोई भी हेवी गुड्स इंडस्ट्री इंडिया में नहीं थी। स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को इंडिया से क्या कर दिया गया था, इंडिया से रुइन कर दिया गया था, उनको बर्बाद कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था, तो और उनको डेवलप भी नहीं करने दिया जा रहा था। दैट्स वाई उस टाइम जिस टाइम देश आजाद हुआ हस्तकरघा उद्योग खत्म हो चुका था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो चुकी थी, आर्टिशियंस पोटर्स इंटरेस्टेड नहीं थे बिकॉज उनके प्रोडक्ट्स को कोई खरीदने वाला नहीं था। ठीक है, एंड नेक्स्ट बोलता है फॉर बल्क ऑफ कैपिटल गुड्स हेवी डिपेंडेंस अपॉन द इंपोर्ट, और बल्क ऑफ कैपिटल गुड्स जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के गुड्स थे इंडस्ट्रियल इनपुट्स थे उसके लिए मजबूरी थी इंडिया की कि उसको क्या करना पड़ता, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता। अगर इंडिया इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता तो इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से ठप हो जानी थी इंडिया की, बिल्कुल भी काम नहीं होना था इंडस्ट्रीज के अंदर। तो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस था, इंडस्ट्रियल आउटपुट नहीं था, हेवी डिपेंडेंस था इंडिया का। अगर उसको इंडस्ट्रियल इनपुट करना था, इंडस्ट्रियल आउटपुट करना था, तो जो भी प्रोडक्शन और इनपुट चाहिए होता उसको वो सारा उसको क्या करना पड़ता, इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए जहां तक बात है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की, तो बेटा बहुत दुख के साथ हम लोग ये बात करते हैं कि हमेशा हम लोगों को सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे, कोई पॉजिटिव पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। द स्टेट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज यू कैन से रियलिस्टिकली वेरी ब्लंट, बहुत ही खराब था, और मतलब कि एक ऐसा ग्रेव सिचुएशन में इंडिया खड़ा हुआ था जिससे निकलने में इंडिया को सदियों लग गए। ठीक है, बहुत समय लगा इंडिया को, बहुत सारी पॉलिसीज फ्रेम करनी पड़ी, बहुत सारे फ्रेमवर्क अपनाने पड़े, और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस के बाद इंडिया जाकर के थोड़ा सा डेवलप हो पाया कमिंग फ्यूचर्स में। तो अभी आपको ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जितने फीचर्स पढ़ने को मिलेंगे बेटा सारे फीचर्स निगेटिव ही हैं, क्योंकि नेक्स्ट फीचर जो आपके पास आने वाला है बहुत दुख के साथ हमें बोलना पड़ता है कि इंडिया में रैम्पेंट पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी व्याप्त थी। ठीक है, लोग गरीब थे, उनके पास रहने को घर नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था, खाने को खाना नहीं था, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था, वो उनके पास रोजगार नहीं था, दो समय का उनको खाना खाने के लिए सोचना पड़ता था, और उनके पास में कोई भी मॉनेटरी वैल्यूएशंस, उनके पास में कोई भी पैसा हाथ में नहीं होता था बिकॉज एम्प्लॉयमेंट बहुत कम थी। एग्रीकल्चर से आउटपुट होता था लेकिन आउटपुट का जो प्रोड्यूस होता था, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था उसका मार्केट में रेट नहीं मिलता था, उनके हाथ में मनी नहीं आता था, दैट्स वाई बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी। जो बेसिक एमिनिटीज और बेसिक फैसिलिटीज होती हैं वो बेसिक एमिनिटीज और बेसिक फैसिलिटीज इंडियन पीपल को मिलना और उनको प्रोवाइड कराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो ये दिक्कत थी रैम्पेंट पॉवर्टी की। नेक्स्ट आता है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जब सब कुछ ही दिक्कत में था तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से अच्छा होता इंडिया का, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर तभी अच्छा होता जब उस टाइम की जो ब्रिटिश सरकार थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ध्यान देती। उसका ध्यान तो इंडिया को सिर्फ डिप्लीट करना था, इंडिया को सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना था, इंडिया से जरूरी चीजें निकाल के ब्रिटेन ले जाना था, इंडिया को एक फिडल इकोनॉमी बना देना था। फिडल इकोनॉमी का मतलब होता है कि यहां से चीजें ले जाएंगे और फिनिश्ड गुड्स यहां पे लाकर के लोगों को जबरदस्ती इनको खिलवाएंगे, इनसे खरीदवाएंगे। तो डिप्लीशन के पॉइंट से अगर कोई व्यक्ति आएगा, डिप्लीशन के पॉइंट से अगर कोई आपके पास में कॉलोनियल एम्परर आएगा तो वो कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश करेगा क्या? नहीं, वो उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आपके यहां कोशिश करेगा जितना उसको रिक्वायर्ड है और जितना उसको जरूरत है आपको क्या करने के लिए, डिप्लीट करने के लिए, आपको हराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। और वही किया था ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे वर्क नहीं किया, रोड्स पे वर्क नहीं किया, डैम्स पे वर्क नहीं,
किया, पावर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क नहीं किया, हाँ उन्होंने थोड़ा सा रेलवे के ऊपर वर्क किया, और रेलवे के ऊपर भी जो वर्क किया वो किसके फायदे के लिए किया, अपने फायदे के लिए किया या उनके हमारे फायदे के लिए किया, उन्होंने अपने फायदे के लिए किया, ताकि जो प्रोड्यूस है, जो रूरल सेक्टर में है, जो आउटस्कर्ट्स में पड़े हुए हैं, उनको उठा करके हम हार्बर तक, शिप बोर्ड तक ले जा सके, इसके लिए उन्होंने रेलवे का क्या किया, गठन किया। ऐसे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उन्होंने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया। इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक था, एजुकेशन सिस्टम फेलियर था, हेल्थ सिस्टम फेलियर था, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, सब कुछ क्या था इंडिया के अंदर फेलियर था। इवन पक्का रोड अवेलेबल नहीं था, कच्चा रोड की बहुत बुरी हालत थी, रेनी सीजन में वहां पे स्लिप्स हो जाते थे और बहुत ही मुश्किल से हमारा शहर से गाँवों का कनेक्शन रह पाता था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे में कुछ भी अवेलेबल नहीं था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाज वेरी लो, बहुत कम था इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। बोलता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे पास में कोई टेली कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं था, पोस्ट ऑफिसेज एंड पोस्टल सर्विसेज वाज आल्सो वेरी लेस, हमारे पास में इंफॉर्मेशन को गैदर कराने और इंफॉर्मेशन को मूव करने के लिए बहुत कम सोर्सेज अवेलेबल थे। ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, रेलवे, पावर, हर जगह जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट हम उठा करके देख लें उस टाइम का, उनमें से कहीं भी बहुत एडवांसमेंट और ग्रोथ हमारे पास में नहीं था। एंड इट वाज द नीड ऑफ द टाइम इन 1947 दैट इंडिया हैज टू वर्क फर्स्टली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इट वाज नॉनथलेस इंपॉर्टेंट एंड इट वाज नॉनथलेस दैट इंडिया शुड हैव अचीव द डेवलपमेंट। तो इंडिया का उस टाइम सबसे प्राइम फोकस क्या था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिसिन फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, सबको डेवलप करने की जरूरत थी, बिकॉज बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी पाना बहुत मुश्किल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोलता है हेवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस था, बिकॉज कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी, प्रोडक्शन के लिए यूनिट्स नहीं थे हमारे पास, अगर प्रोडक्शन के लिए यूनिट्स भी थे तो रॉ मटेरियल्स हमारे पास में नहीं थे, टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं थी। दैट्स व्हाई फॉर ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू बी डिपेंडेंट, वी हैव टू बी डिपेंडेंट अपॉन द इंपोर्ट फ्रॉम द डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज इन ऑर्डर टू गेट द थिंग्स डन एंड गेट सेट द इंडस्ट्री गो। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये दिक्कत हमारे पास में बहुत रैम्पेंट थी, बहुत ज्यादा रैम्पेंट थी, ठीक है। तो अभी तक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड है, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस है, हमारे पास में पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, हमारे पास में हेल्थ स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास में एजुकेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास में सिविक स्ट्रक्चर नहीं है, हम लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे थे, और इसके अलावा हम बाहर के देशों पे इंपोर्ट, बेसिकली ब्रिटेन पे इंपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी, हम मशीन नहीं बना पा रहे थे, हम प्रोडक्शन को मास लेवल पे नहीं ले जा पा रहे थे, फूड शॉर्टेज हमारे पास था, हमारा पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम ग्रो नहीं कर पा रहा था, मतलब जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी सर्कमस्टांसेस थे, सारे पॉइंट और सारे सर्कमस्टांसेस पे हम वीक पड़े हुए थे, और हमें इन सब जगहों पे अब क्या करना था, एक करिश्मे की जरूरत थी और कुछ ऐसी चीजों की जरूरत थी जिससे इकोनॉमी रिवाइव हो सके, इकोनॉमी रिबाउंड हो सके और हम आगे इंडिपेंडेंट इंडिया को प्रॉपर तरीके से डेवलप करा पाए, जिसके लिए हमने प्लानिंग करी, जो कि नेक्स्ट चैप्टर का बेस बनेगा हम लोगों का। अभी इसमें हमें और बातें करनी है, और कौन कौन से फीचर्स रैम्पेंट थे हमारी इकोनॉमी के, वो भी हम लोग देखेंगे अभी तुरंत। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, नोट करके फिर हम लोग आगे के फीचर्स देखते हैं कि और क्या फीचर्स हमारे पास में इंडियन इकोनॉमी को उस टाइम सूट कर रहे थे या इकोनॉमी को डिफाइन कर रहे थे। नेक्स्ट जो फीचर्स हैं वो अगर हम लोग देखें तो वो फीचर्स क्या है बेटा, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा और इसको एक बार अपने पास में स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने बुक कॉपी में जहां भी आप लिख रहे हैं नोट्स उसको लिख दीजिएगा। बेटा लिखते हुए जरूर चलिएगा, बिकॉज आप अपने मेमोरी के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव मत कीजिएगा, आपको आज सब कुछ समझ में आ जाएगा लेकिन जब आप फ्यूचर में फिर से इसको रिविजन करने चलेंगे तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, अगर आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप इसको मेमोरी लेन से हटाइए और कहीं पेन डाउन कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, ताकि आप इसको फ्यूचर में अपने पास में कनेक्ट कर पाए।
तो बेटा जितने फीचर्स हमने डिस्कस किए उसके आगे ये तीन और फीचर्स हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी को दर्शाते हैं कि इंडियन इकोनॉमी वहां उस टाइम एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश एडवेंट, जब इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश के जाने के टाइम में कैसा था, उसके हालात कैसे थे एट द एग्जिट ऑफ द ब्रिटिशर्स इन इंडिया, इंडिया को फिर अगली बार क्या कहा गया। तो इंडिया के पास में जो इसको फीचर्स के अंदर हम देखते हैं तो बोला कि लिमिटेड अर्बनाइजेशन बहुत बड़ा कारण था ये लिमिटेड अर्बनाइजेशन, बिकॉज लोगों को लगता क्या था कि एग्रीकल्चर सबसे इजीएस्ट सोर्स ऑफ इनकम है और एग्रीकल्चर के अलावा अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमारे पास में कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी और लोग हमेशा क्या रहते थे, गांव से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते थे। 1947-48 के टाइम में लगभग हमारे पास में 86% पॉपुलेशन जो था वो रूरल एरिया में ही रिजाइड कर रहा था और एग्रीकल्चर में ही, खेती में ही अपने कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा था कि हम उसी में कुछ कमा ले और कुछ जीवन यापन के लिए वहां से निकाल ले। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाले बहुत कम लोग थे, बिकॉज 14% ऑफ द पॉपुलेशन जो था ना वही तो उस टाइम इंडिपेंडेंस के टाइम शहरों की तरफ मूव किया था और अर्बन एरियाज में रह रहा था। बाकी जितने भी पॉपुलेशन थे सारा का सारा पॉपुलेशन हमारा कहां रिजाइड कर रहा था, विलेजेस में रिजाइड कर रहा था और अपने दुख दर्द को और बढ़ाता हुआ चल रहा था। आप बोलेंगे सर ये बात आपने क्यों कही कि वो दुख दर्द को बढ़ाता हुआ चल रहा था, बिकॉज़ ज्यादा से ज्यादा लोग, जब आपके ज्यादा से ज्यादा लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ नहीं मूव कर रहे थे, इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं कर रही थी, सभी एग्रीकल्चर में ही कहीं अपना कुछ भविष्य तलाश रहे थे और एग्रीकल्चर सब लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, तो धीरे धीरे ये पॉवर्टी को और क्या बढ़ा कर रहा था, बढ़ा रहा था, इससे गरीबी और बढ़ रही थी, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे और गरीबी धीरे 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 कंपाउंड होती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी, बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उतना था नहीं, एग्रीकल्चर आउटपुट उतना था नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन था नहीं, एग्रीकल्चर में कॉमर्शियलाइजेशन था नहीं, नए टेक्निक्स थे नहीं, इरिगेशन फैसिलिटीज थी नहीं, ठीक है, और वहां से पैसा भी बहुत कम मिल रहा था, सीजनल कंडीशंस होते थे, वेदर कंडीशंस के ऊपर एग्रीकल्चर डिपेंडेंट था, वेदर अगर खराब हो गया, अगर उसने सपोर्ट नहीं किया, फेवरेबल वेदर कंडीशन नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकालना बहुत मुश्किल हो जा रहा था और ऐसे में सिर्फ बढ़ रही थी तो एक चीज और वो क्या थी, वो थी गरीबी, ठीक है। तो आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बोलता क्या है, बोलता है हमारे पास में दिस कंपाउंडेड देयर पॉवर्टी, इससे गरीबी क्या हो रही थी, लगातार गरीबी बढ़ रही थी और हम इसको रोक नहीं पा रहे थे, हम इससे संभल नहीं पा रहे थे, बहुत मुश्किल हो रहा था गरीबी से बचना। और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट अब है वो बोलता है इंडियन इकोनॉमी एक सेमी फ्यूडल सेटअप था, सेमी फ्यूडल सेटअप एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सेमी फ्यूडल का मतलब क्या होता है, तो बेटा पहले समझो कि फ्यूडल का मतलब क्या होता है, फ्यूडल इकोनॉमी किसको बोलते हैं, फ्यूडल इकोनॉमी क्या होता है बेटा, इसमें इसको हिंदी में सामंतवाद बोलते हैं, सामंतवाद। इसको समझाने के लिए मैं आपको 2 मिनट टाइम दूंगा, देखते हैं इसको कैसे समझना है, ऊपर वाला पॉइंट मैं आपको यहां पर रब कर रहा हूं, ठीक है, देखते हैं कि फ्यूडल इकोनॉमी सिस्टम क्या होता है। फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब होता है किंगडम इकोनॉमी। बहुत लोग इसको ना आसान शब्दों में आसान तरीके से बताने के लिए बता देते हैं कि जहां राजा का साम्राज्य होता है और जहां राजा ही सबसे सुप्रीम होता है और उसके नीचे प्रजा होती है उसको हम लोग फ्यूडल इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, समझो क्या होता है फ्यूडल इकोनॉमिक सिस्टम। हमने बोला सबसे पहले कि यहाँ किंगडम होता है और इस किंगडम में एक किंग होता है, किंग का मतलब होता है बेटा राजा, किंग के नीचे हमारे क्या होते हैं, महासामंत होते हैं। क्या लिखा है मैंने, महासामंत, महासामंत, ये महासामंत राजा के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। जो किंगडम का राजा होता है वो महासामंत को अपॉइंट करता है और महासामंत को अपने साम्राज्य की जमीन उसके हवाले कर देता है, महासामंत को अपने किंगडम की जो इंपॉर्टेंट जमीन होती है वो उसके हवाले कर देता है और उसको बोलता है कि इस पे एग्रीकल्चर कराना आपकी जिम्मेदारी है और मैं इस पे आपसे लगान कलेक्ट करूंगा, रेवेन्यू कलेक्ट करूंगा। महासामंत आ गया, महासामंत के नीचे आते हैं सामंत,
ठीक है, ये फ्यूडल इकोनॉमिक सिस्टम में महासामंत के नीचे आते हैं सामंत। तो मान लो कि ये राजा है, राजा के पास में ये इकोनॉमी है, ये राजा है, राजा के पास में ये पैच ऑफ लैंड है, उसने इस लैंड को एक महासामंत के हवाले कर दिया। अब महासामंत इस जमीन के छोटे छोटे टुकड़े करके सामंत को दे देता है। सामंत मान लो ये सामंत वन हो गया, सामंत टू, सामंत थ्री, सामंत फोर, बहुत लंबा लैंड का टुकड़ा होगा, बहुत लंबा लैंड का टुकड़ा होगा वो महासामंत के हाथ में होगा। मतलब कि यू कैन से किला का किला महासामंत के हाथ में होगा। किला का किला मतलब मैं एक लैंड को मेजर करने का एक शब्द होता है इंडियन माइथोलॉजी में, किला का किला, ठीक है। तो बहुत सारा किला मिला करके एक बहुत बड़ा एक एरिया बनता है, तो वो महासामंत के पास में है राजा का, ठीक है। उसमें से छोटे छोटे किले, छोटे छोटे पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करके सामंत को दे दिए जाते हैं, और सामंत के नीचे होता है पीजेंट, जो कि आजकल कॉमन भाषा में जिसको हम लोग फार्मर्स बोलते हैं, और ये लैंडलेस होते हैं। ये जो लैंड होता है ये राजा का ही होता है, उनको सिर्फ दिया जाता है खेती करने के लिए। दे वर अलाउड टू कल्टिवेट ओनली एंड शेयर द क्रॉप विद द सामंत, एंड सामंत विल शेयर द क्रॉप विद महासामंत, एंड महासामंत विल प्रोवाइड द रेवेन्यू टू द किंगडम। किंगडम ऑफिस में वो रेवेन्यू जाता था। तो पीजेंट्स को क्या करना होता था, पीजेंट्स को इसके बदले कुछ शेयर ऑफ क्रॉप मिलता था, जो कि जिससे कि उनका गुजारा चलता था। ये होता है फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम ब्रिटेन में बहुत चला, फ्यूडल सिस्टम जर्मनी में चला, फ्यूडल सिस्टम फ्रांस में चला, हर जगह फ्यूडल सिस्टम चला। बोलता है इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम में हम लोग सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थे। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब कि कुछ लोग अपने साम्राज्य के साथ में अभी भी थे। जैसे कुछ लोग साम्राज्य के साथ में थे, उनमें से एक दो लोगों का मैं आपको नाम बताता हूं, ठीक है, आपको समझ में आएगा। राजा रणधीर सिंह जी जम्मू एंड कश्मीर में थे, उदयपुर में राजा सूरजभान जी थे, ठीक है। मिडिल में हम लोगों के पास में क्या था, तो मिडिल में हैदराबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, हैदराबाद के नवाब थे। साउथ में कुछ चोलापल्ली राजास थे। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे किंगडम्स थे जिनको ब्रिटिशर्स अपने कब्जे में नहीं ले पाए थे, और वहां फ्यूडल सिस्टम वर्क कर रहा था, लेकिन बाकी जगह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चल रही थी। मतलब डिपेंडेंट अपॉन द बिजनेस सिस्टम। तो इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम ब्रिटिशर्स भी थे और कुछ छोटे छोटे किंगडम्स भी वर्क कर रहे थे। दैट्स वाई इंडिया को बोला गया कि ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां गवर्नमेंट का भी कंट्रोल था, ब्रिटिश एज इन गवर्नमेंट का भी कंट्रोल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी, उनके प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कंट्रोल था, प्रोविंसेस बने हुए थे इंडिया में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा को मिलाकर के बंगाल प्रोविंस था, ठीक है। मध्य प्रदेश और आपको मध्य प्रदेश को मिलाकर के मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश को मिलाकर एक सेंट्रल प्रोविंस था, ठीक है। फिर इधर गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर के वेस्ट प्रोविंस था। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोविंसेस थे इंडिया के अंदर जिसमें ब्रिटिश सिस्टम का राज्य था, लेकिन कुछ ऐसे पैच ऑफ एरियाज थे जहां पे किंगडम भी थे, राजा लोगों भी थे। तो ऐसे जगहों पे जब हम लोग ये बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि इंडिया में एट दैट टाइम फ्यूडल सिस्टम वर्क कर रहा था, साथ के साथ में हमारा कैपिटल सिस्टम भी वर्क कर रहा था, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी बोल रहे थे, और इसी का नाम है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी तो इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस सेमी फ्यूडल सिस्टम के हिसाब से था, और यहां पे प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी लो इस वजह से थी बिकॉज ब्रिटिशर्स सिर्फ अपने काम की खेती कराते थे, ओपियम, इंडिगो, टोबैको, ठीक है, और ऐसी चीजें, रबर, कॉफी, ऐसी चीजें, स्पाइसेस, जो कि उनके इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल बन सके और उनकी इंडस्ट्रीज को फायदा कर सके। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फार्मिंग फॉर द लिविंग ऑफ द पर्सन, वीट की खेती, गेहूं की खेती, बाजरे की खेती, से चावल, धान की खेती, इन सब चीजों की खेती नहीं होती थी, या जो फार्मर्स करते भी थे उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो ऐसे में हमारी प्रोडक्टिविटी इंडिया में क्या थी, बहुत लो थी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी।
ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का, जहां थोड़ा किंगडम सेटअप था, फ्यूडल सिस्टम था, और थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो दिन इंडियन गवर्नमेंट होने वाली थी, उस टाइम की जो इंडियन गवर्नमेंट थी, कि इन प्रोविंसेस को कैसे खत्म किया जाए, इन किंगडम्स को कैसे खत्म किया जाए, राजाओं का जो अपने अपने प्रोविंस पे अधिकार था उनको कैसे खत्म किया जाए, और इंडिया को कैसे यूनाइट किया जाए। एंड फॉर दैट द पर्सन हु वर्क्ड इमेंसली फॉर दैट वाज आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन्होंने इंडिया को यूनाइट करने के लिए, इन राजाओं के अस्तित्व को तोड़ने के लिए, इन राजाओं को एक करने के लिए और इंडिया को एक बनाने के लिए बहुत वर्क किया था। आप हिस्ट्री में इसके बारे में जानते होंगे, हमें यहां पे इसका ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, तो हम आगे की पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है, हमारे पास में है नेक्स्ट कॉलोनियल इकोनॉमी, नेक्स्ट फीचर है इंडिया कॉलोनी थी। किसकी कॉलोनी थी? तो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, और जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ रहे थे तो एक कॉलोनी को जैसे एक राजा छोड़ता है, एक कॉलोनी को जैसे एक एम्परर छोड़ता है, वो सारे फीचर्स इंडिया के अंदर ला करके तब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा। क्या क्या किया उन्होंने ब्रिटिशर्स ने? तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, डिप्लीट किया, डिप्रिशिएट किया, नेचुरल रिसोर्सेस को एक्स्ट्रावेगेंटली यूटिलाइज किया, और इंडिया को बिल्कुल ही जीरो लेवल पे ला करके छोड़ दिया। इंडिया के पास में कुछ भी अब अपने लिए बचा हुआ अवेलेबल नहीं था। नेचुरल रिसोर्सेस को ड्रेन करके ले गए, ड्रेन करके ले गए, बहा के ले गए, मतलब इतना इनॉर्मस यूटिलाइजेशन किया, इतना इमेंस यूटिलाइजेशन किया, ठीक है, कि अपने बेनिफिट के लिए हमने शब्द यूज कर लिया यहाँ पे फीचर्स में, ड्रेन्ड। ड्रेन्ड का मतलब होता है कि जब नाले को बहा दिया जाता है, जब नाला बहने लगता है, कहने का मतलब है कि इतना ट्रेमेंडस यूटिलाइजेशन किया कि इंडिया के पास कुछ भी नहीं बचा अपने लिए। ठीक है, फिर इंडिया को रीडेवलपमेंट के फेज में जाना पड़ा, और ड्रेन करके कहां ले गए? तो ड्रेन करके ले गए अपने ब्रिटिश इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है इम्पोज्ड मेनी टैक्सेस, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की कमर तोड़ दी इन्होंने, बोला कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करोगे, इंडिया में प्रोड्यूस करोगे, टैक्सेस देना पड़ेगा, हेवी टैक्सेस देना पड़ेगा। उन्होंने बहुत लगान मांगा, ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट से मांगा, इंडस्ट्रियलिस्ट से मांगा, और इन्होंने इनकी पॉजिटिविटी को ब्रेक कर दिया। उन्होंने जब इंडस्ट्रियलिस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन करने जाते थे तो वो इस बात से डर जाते थे कि अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमें हेवी टैक्सेस पे करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टैक्सेस पे करना पड़ेगा, और इस वजह से वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में कोई भी काम नहीं कर देते, नहीं करने की कोशिश करते थे। एंड एट्रोसिटीज वर डन विद द इंडियन आर्टिजियंस एंड हैंडीक्राफ्ट्स, एट्रोसिटीज, उनके साथ में बहुत गलत व्यवहार किया गया, उनको मारा गया, पिटा गया, उनके छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज को आग लगा दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई उनकी इंडस्ट्रीज के साथ में, और इन्हीं व्यवहार के कारण जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, आर्टिजन इंडस्ट्री थी, पॉटर इंडस्ट्री थी, ठीक है, जहां पे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, और बहुत सारे ऐसे जो स्ट्रेटजिकली हमारे पास में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री थी, जो लोगों को रोजगार देती थी, उस इंडस्ट्रीज का दमन हो चुका था, वो खत्म हो चुकी थी, और इंडिया को अब इनको फिर से रिवाइव करने की जरूरत थी। तो आज के लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा हमने करी, वो बात आप एक बार स्नैपशॉट में देख लीजिए। हमने बोला इंडिया के साथ में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यही बन जाता है फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और आप बड़े आराम से 10-12 पॉइंट इसके अंदर निकाल सकते हैं और इसको अपने से लिख सकते हैं। अब जहां तक रही बात की क्वेरीज, मेरे पास में कुछ बच्चों की आ रही है कि सर व्हाट अबाउट द डेटा, हम डेटा कहां से पिक करें और डेटा कैसे लिखें? तो बेटा कोई भी रेफरेंस बुक जो आप यूटिलाइज कर रहे हैं, यू कैन पिक द डेटा फ्रॉम दैट बुक, बट इन केस इफ अ पार्टिकुलर डेटा इज रिटन एंड प्रिंटेड इन एनसीईआरटी, देन इन दैट केस यूटिलाइज दैट डेटा ओनली, बिकॉज इट प्रूव्स द 100% ऑथेंटिसिटी, एंड योर बोर्ड ऑल्सो रिमार्क्स द डेटा विच इज रिटन इन एनसीईआरटी। Nonetheless, other than that, if any data is not written in NCERT, you can pick up the data from the reference book and utilize it in your answers. You can utilize that data in your answer, no doubt in that. Okay? तो अभी हम लोगों ने क्या किया? अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि इंडिया का क्या हाल था on the eve of independence. Short में हमने सारे points निकाले हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम लोग एक एक सेक्टर पे फोकस करेंगे,
एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, और उसका स्टडी करेंगे हम लोग कि इन सब की एग्जैक्ट क्या हालत थी और क्या जरूरत थी इन चीजों को ठीक करने की इंडिया के पास ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। टिल देन आप इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाइए, अपने अंदर थोड़ी एनर्जी लेके आइए। बेटा सबको पता है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आपका माइंड नहीं काम करता है, आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन चैलेंज यही है कि जहां इंटरेस्ट नहीं आए वहां डेवलप किया जाए। ठीक है, क्या मजा है, बहुत आसान चीज को आदमी आसानी से हासिल कर ले, इसमें बेटा मजा नहीं है। मजा वहां है जहां मजा नहीं आ रहा है वहां मजा क्रिएट किया जाए। तो इन केस अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट फीलिंग एनर्जेटिक विद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी लेकर के आइए और समझिए चीजों को, बिकॉज समझना बहुत आसान है, अपने देश की बात है, कहीं किसी और देश की बात नहीं है। अपने देश की बात को समझेंगे नहीं तो आगे चल करके अपने देश के डेवलपमेंट का हिस्सा कैसे बनेंगे, कैसे आप अपने देश की चीजों को जानेंगे और कैसे देश को आगे बढ़ाने में आपका जो एक छोटा सा प्रयास होगा उस प्रयास को आप और अच्छा बना पाएंगे, कैसे आप एक फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, कैसे आप एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बैंकर बनेंगे। आपको जानना पड़ेगा कि जिस देश के लिए आप काम कर रहे हैं उस देश की क्या हालत है, उस देश को क्या चाहिए और वो देश आपसे क्या मांगता है। इस चीज को जानिएगा, इस चीज को समझिएगा और जब देश का विकास होगा, बेटा एक बात हमेशा याद रखिएगा, when your country is developed, you will be developed. When your country will be known on the international platform, you will be known on the international platform. जब इंडिया को कोई जानेगा तभी इंडिया बढ़ेगा, और इसी प्रयास में बहुत लोग लगे हुए हैं, इसी प्रयास में हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री भी लगे हुए हैं कि पहले जानकारी तो हो, पहले लोग इंडिया को जाने तो सही। और जानने की शुरुआत किसी की प्रेजेंट से नहीं होती है, ये आप भी बहुत बढ़िया से जानते हैं। आदमी किसी को जानता है तो पहले उसको देखता है, फिर उसको समझता है, फिर उसके पास्ट को समझता है और तभी वो उसके प्रेजेंट को समझ सकता है। ठीक है, मैं आपका कहां फोकस ले जाना चाह रहा हूं आप समझ रहे होंगे। तो उसी तरीके से अपने देश को भी जानिए, अपने देश को भी समझिए, और इसका एक अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, तो इसको पढ़िए, इसमें इंटरेस्ट लेकर के आइए और हम भी इसमें आपके साथ में फुल इंटरेस्ट के साथ में जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो एग्रीकल्चर पे आने वाली है तो उसका वेट कीजिए, प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, उसको देखिए, उसको व्यू कीजिए। एंड टिल वी कम बैक, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड बाय बाय।